सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है उन सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए इसलिए इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार जो आप लोगों का मानदेय भुगतान किया जाएगा उसके रिलेटेड है। तो सभी सेविका और सहायिका बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि जो आप लोगों का पूर्ण मानदेय है वो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जिस प्रकार से काम होता है उसी प्रकार से आप लोगों को प्रोत्साहन राशि और मानदेय दी जाती है। देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप पे जब आप लोग काम करती हैं तो आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और कितने दिनों तक आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा उसके अनुसार आप लोगों को मानदेय भुगतान किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जितना दिन काम होगा उतने दिन का ही मानदेय आप लोगों को मिलेगा। तो विभाग की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो कम से कम 21 दिनों के लिए खुलना चाहिए तभी जो आप लोगों का पूर्ण मानदेय है वो मिलेगा। अगर 21 दिन से कम आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर ऐप पे ओपन होता है तो आप लोगों का मानदेय काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे और पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी केंद्र की जो स्थिति है उसको आप लोग ओपन जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी काम तो आप लोगों को करना ही है लेकिन अगर आप लोगों को पूर्ण मानदेय लेना है तो आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो कम से कम 21 दिनों के लिए ओपन दिखना चाहिए पोषण ट्रैकर ऐप के डैशबोर्ड पर, ठीक है। चलिए इसके रिगार्डिंग जो लेटर है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे बाल विकास परियोजना कार्यालय का जो लेटर है वो जारी किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिनांक 26/6/2024 को माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई थी जिसमें निर्देश दिया गया है कि यदि पोषण ट्रैकर ऐप पर 21 दिन से कम आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं तो वैसी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय भुगतान पोषण ट्रैकर ऐप के केंद्र खुलने के आधार पर किया जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर पोषण ट्रैकर ऐप पे आप लोगों का 21 दिन से कम आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं तो वैसी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के आधार पर किया जाए। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र 21 दिन से कम खुलता है तो आप लोगों का जो मानदेय है उसमें कटौती की जा सकती है, ठीक है। नीचे लिखा गया है, आंगनबाड़ी केंद्र 21 दिन से अधिक खुलते हैं तो मात्र उन्हीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मंथ में 4 संडे हो गया और कुछ एक दो पर्व त्यौहार भी हो गया तो कम से कम आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 21 दिन से ऊपर ही खुलना चाहिए, 22 दिन 25 दिन जैसे भी आंगनबाड़ी केंद्र चलता है वैसे ही आप लोगों को खोलना है। तो ये लेटर जारी कर दिया गया है, जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है उनका मानदेय किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा, ठीक है। लिखा गया है, उक्त के आलोक में सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र खुलने संबंधी आंकड़े अद्यतन करें, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे उसमें जो भी अटेंडेंस वगैरह हो गया उस सब चीज़ों को आप लोगों को अपडेट करना है। साथ ही महिला पर्यवेक्षिका को यह दायित्व तो होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के आधार पर अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करने हेतु कार्यालय को समर्पित करेंगी। और जो महिला पर्यवेक्षिका हैं उनका दायित्व तो ये रहेगा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी जो विवरणी है वो अपलोड करेंगी कि कितने आंगनबाड़ी सेविका भवनों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो आज ओपन हुआ है उस सब का डेटा वो उपलब्ध कराएंगी। नीचे आप देख पाएंगे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है, 27/6/2024 का डेट आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों का जो मानदेय है वो किस प्रकार से यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, पोषण ट्रैकर ऐप पे जब आप लोग काम करेंगी तो आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 21 दिन से प्लस खुलना चाहिए, यानी कि 22 दिन 23 दिन जो भी हो आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र ओपन होना चाहिए। अगर कम होता है तो मानदेय आप लोगों का हो सकता है कि काट के दिया जाए, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर जरूर करें।
तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।